नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट्स इंडिया। मैं हूं आपके साथ शेख जोयल। लोकसभा चुनाव को आने में अब कुछ ही वक्त और बचा है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होने से ऐसे में सभी पार्टी के नेता जनता से मुखातिब हो रहे हैं। इस कड़ी में कोटा में भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हो रहे कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक में हंगामा हो गया। बड़े मंच पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस वरिष्ठ नेता शांति धारीवाल ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल को सेक्युलर बनाने के लिए बोल दिया, जिसके बाद दोनों वरिष्ठ नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। चलिए थोड़ा तफसील से इस पूरे मामले को जानते हैं। दरअसल कल यानी 29 मार्च को कांग्रेस कार्यालय में बैठक के दौरान अपने भाषण में धारीवाल ने मंच से ही गुंजल को वही बातें फिर से बोली। मंच से बोलते हुए धारीवाल ने कहा कि जो भ्रष्टाचार की बात गुंजल ने भाजपा में रहने के दौरान कही थी, या तो उनको साबित करें तभी मेरा समर्थन उनको मिलेगा। इतना कहते ही गुंजल भी खड़े हो गए। धारीवाल समर्थकों में नारेबाजी शुरू कर दी। ये सब देख गुंजल समर्थक भी आग बबूला हो गए। आगे बढ़ने से पहले वो वीडियो आप देख लीजिए। पक्ष विपक्ष में रहते हुए जो विरोधाभास थे, अब जब एक माला में हो गए तो सारे विरोधाभास समाप्त हैं। इनके आशीर्वाद से मिलकर आगे बढ़ेंगे। यही मान के चलो ना कि जो आरोप आपने विपक्ष में रहकर के और कांग्रेस के प्रत्याशी शांति धारीवाल के खिलाफ लगाए थे, चाहे वो रिवर फ्रंट के मामले में था, चाहे मेरे मकान के ऊपर जो वो पत्थर लगे हुए हैं उनके बारे में था, कि और भी कई मामलों में था, वो सब गलत थे। वो अगर गलत थे तो मेरा समर्थन है, और अगर आप उसको बात सुने, पूरी बात सुने। धन्यवाद सर जी, बंजारा जी साइड। अरे भाई देखिए, अरे यहाँ को कांग्रेस ने टिकट दिया है, ये कल उससे जब मिलने आए थे तो मैंने इनसे स्पष्ट ये कहा था, तो भाई आपने कुछ आरोप मेरे पे ऐसे लगाए थे व्यक्तिगत तौर पर, उन आरोपों को या तो आप साबित करो, और नहीं करते हो तो मना करो कि साहब हाँ ये गलत आरोप थे। तो इन्होंने कहा क्या, कहा साहब ठीक है मैं कह दूंगा एक बात, तो मैं ये मान के चलता हूं कि साहब ये वो जितने भी आरोप इन्होंने लगाए या तो ये साबित कर दें और या जो है फिर उनको गलत माने। आप लोग क्या मानते हो उसको? मैं जो कह रहा हूं क्या सही कह रहा हूं? सही कह रहे हो। क्या जो भी आरोप थे वो सब गलत थे? गलत थे। भैया साबित करें, एनजीटी का फैसला हो गया रिवर फ्रंट के बाबत, हम क्या साबित कराओगे? हो गए साबित, हमारी पार्टी को सब बातें हो गई, ये बात साफ होनी चाहिए। भला लोगों के दिमाग में आप बैठ जाओ, बैठ जाओ चलते रहते हैं, आप बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठो बोलो, ये लोगों के दिमाग में है ये सब बात, और बार बार मुझसे आकर के लोग पूछते हैं कि साहब इनका क्या होगा। अरे भाई मुझसे तो कह दिया उन्होंने कि साहब सब खत्म है, आपके नेतृत्व में जो है हम आगे बढ़ेंगे। मैंने भी इनसे कहा, मैंने कहा बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि हमारे सामने वो बड़ा दुश्मन है, वो आदमी है जिसने कोटा के डेवलपमेंट के हर काम को रोका है, हर काम में रोड़े अटकाए हैं। अब चूंकि आप कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस की विचारधारा प्योर सेकुलर विचारधारा है, सांप्रदायिक विरोध की विचारधारा है,
उसको आपको अपनाना पड़ेगा। कांग्रेस की पहली शर्त यही है कि आदमी सेकुलर होना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम न्याय नहीं चलता, ये आपको दिखाना पड़ेगा चुनाव के अंदर, क्योंकि सेकुलर वोटों की संख्या कम नहीं है। हमें जीतने के लिए उन सेकुलर वोटों का भी जो है कि इमदाद लेनी पड़ेगी, पूरा सपोर्ट लेना पड़ेगा उनका। आप हमारे साथ होंगे, कांग्रेस के टाइम पर जो भी काम हुए आपने देखा होगा, तो पिछले 10 साल से हवाई अड्डे के लिए तो कई बातें हो गई, यहां पर कई बातें हो गई क्या हवाई अड्डे के बाबत, क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब दुनिया जानती है कि कब से हवाई अड्डा। एक बार तो ये भी कह दिया था कि कोई एयरलाइन नहीं चलती तो मैं बिरला एयरलाइन चला दूंगा, इस तरीके की बातें भी आई। अभी जगह जगह जा करके गांव में जाते हैं, गांव वाले विकास की बात करते हैं कि भाई यहां मुझे विकास कराओ, तो क्या गोली जगह आते हैं तो आप लोग तय कर लो क्या क्या करवाना है। आप लोग सब इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होकर के फिर मुझे बता दो कि क्या क्या करना है, तो फिर न तो वो गांव वाले इकट्ठे हुए और ना भी कोई काम होता है। पीछे छूटता हूं कहां पसंद, अभी कोटा में कह दिया था हैदराबाद और बेंगलोर के जैसे आईटी का आईटी सेंटर में कोटा का नाम करवाऊंगा। माम तो पता नहीं क्या करवाएंगे, मल्टीमेटल करवा ली टेबल फेयर किसी भी चीज को ले दो आप, पुराने एयरपोर्ट को बेचने के लिए तैयार बैठे हुए, जबकि मास्टर प्लान में वहां पर बाकायदा मिनी सेक्रेटरिएट और ग्रीन बेल्ट बनी हुई है, कोई नहीं बदल सकता उनको, सुप्रीम कोर्ट तब भी बदलेगा, लेकिन कहते हैं इसको बेच करके जो है नया एयरपोर्ट पर आई नहीं अभी के और नया एयरपोर्ट पर नहीं। हमने देवनारायण योजना बनाई, आज 12,000 पशु वहां पर है, 12,000 उस देवनारायण योजना को खत्म करने पर तो उसका बायोगैस का प्लांट जो था वो आज कई दिनों से बंद पड़ा हुआ है, उसका पेमेंट नहीं हुआ। अब आप देखिएगा अगर मान लीजिए वहां के पशु छूट छूट करके अगर आ गए तो क्या शहर का क्या हाल होगा, 12,000 पशु शहर में घूमेंगे तो उनका क्या हाल होगा, उस योजना को खत्म करने के लिए तैयार बैठे हुए। रिवर फ्रंट के जो बाकी काम रह गए उनको बंद करवा दिया, कलेक्टर से कह दिया रिवर फ्रंट में नहीं जाएगा, और कलेक्टर ने अपने सास ससुर और माँ बाप को चुपचाप भेजा वहां पर रिवर फ्रंट से देखे। केरव साहब के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई गई उन योजनाओं को धीरे धीरे बंद किया जा रहा है। जो चिरंजीवी योजना जो देश की ऐसी योजना थी जिसमें 25 लाख रुपए तक का इलाज होता था आज बंद हो गई, उसके बजाय एक आयुष्मान चला दी 5 लाख रुपए की, उसमें भी इतनी फॉर्मिलिटीज है कि उसको लाभ मिलता ही नहीं है मरीज को। ये सब बातें आपके सामने हैं। मुकंदरा के बारे में देख लो आप, 21 से कह रहे हैं 2021 से कि मुकंदरा में बाहर से शेर आएंगे, शेर नहीं आएंगे, सफारी चलाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा सब कुछ करूंगा, कुछ नहीं हुआ, एक काम नहीं हुआ और शेर मर गए वहां पर। कई तरह की बातें हैं, उस आदमी के सामने मुकाबला है जिस आदमी का कोई काम पूरी हाड़ौती के लिए नहीं है, कोटा शहर की तो बात छोड़िए, पूरी हाड़ौती के लिए कोई काम नहीं है। मोदी जी ने योजना चलाई थी कि ग्राम कोई गांव को अडॉप्ट करो और उसका पूरा विकास करो, तो जो गांव अडॉप्ट किया उसमें कतई ही विकास नहीं हुआ, कुछ भी आज तक रोटी
रोटी रोटी नहीं तरह की बात है। मैं तो इतनी सी बात निवेदन करता हूँ आपसे कि पहला भी आपका आज तक का जो करप्ट रहा है वो सांप्रदायिकता के विरुद्ध सांप्रदायिकता का रहा है, इसलिए आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा और सेकुलर मतलब बनना मन करके काम करना पड़ेगा। वो छोड़ दिया आपने, वो छोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है, बहुत बढ़िया है। आप जैसे सीनियर नेता को इस मंच पर इस अट्ठाईस मार्च यानी गुरुवार को कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल ने देर रात को पूर्व मंत्री शांति धारीवाल के सिविल लाइन्स स्थित आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की थी। जानकारी के मुताबिक इस दौरान शांति धारीवाल ने एक घंटे की बातचीत में गुंजल को कहा था कि जो भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस सरकार में रहने के दौरान धारीवाल पर लगे हैं उन आरोपों को या तो गुंजल सिद्ध करें या फिर ये मान ले कि भ्रष्टाचार के सभी आरोप गलत हैं। भाजपा छोड़ कांग्रेस में आए गुंजल करीब 40 सालों से भाजपा के साथ काम कर रहे। गुंजल कोटा उत्तर से विधायक भी रह चुके हैं। गुंजल पूर्व मंत्री और मौजूदा कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल को चुनाव में हरा चुके हैं। हाल ही में गुंजल ने भाजपा नीतियों से परेशान होकर पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया, जिसके बाद कांग्रेस ने उन्हें कोटा बूंदी सांसदीय क्षेत्र से लोकसभा का टिकट दे दिया। यहां उनका सामना भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला से है। अब इस खबर पर आप क्या विचार रखते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे तमाम और खबरों के लिए द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।